नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हड़ताल खत्म होने के बाद दिवाली के त्यौहार को नजदीक से देखते हुए सजने लगे बाजार। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो डील, किराना एसोसिएशन और अन्य सामग्री की दुकानदारों के चेहरे पर खुशी नजर आई। आगामी दिनों में धनतेरस पर हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कुछ ना कुछ खरीदारी करता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के बाद झेलते आ रहे व्यापारियों के चेहरे अब मायूस हो गए थे। अब व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल का आगाज किया, जिससे कि किसानों के ऊपर, जैसे कि कपास और अन्य फसलें, मंडी में हड़ताल चलने से बिक नहीं रही थी, ना ही कोई खरीद रहा था। तो दिवाली सभी को फीकी नजर आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने हड़ताल समाप्त की और 18 अक्टूबर को हड़ताल समाप्त होते ही बाजार में रौनक नजर आने लगी। आइए हम चलते हैं कुछ शोरूम पर, कुछ ऑटो डील वालों से बात करेंगे और इलेक्ट्रिक्स वालों से भी बात करेंगे, जानते हैं, कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा इस साल धनतेरस की खरीदारी का असर। हम बात करते हैं अंजड़ हीरो शोरूम के मालिक विजय जोशी जी से। सर, आज कितनी गाड़ियां बिकने का अनुमान है? 70 से 75 गाड़ियां हो जाएगी। अगर पिछले दिनों में जो व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल की थी, उससे बाज़ार के ऊपर क्या असर दिख रहा है आपको? मार्केट थोड़ा डाउन हुआ था, पर हड़ताल ख़त्म हो गई तो अब थोड़ा सा मार्केट वापस पिकअप कर रहा है। आपको आगामी दिनों में और क्या नज़र आ रहा है ऑटो डील में? सर, नहीं, अच्छा रहेगा, दिवाली के बाद भी अच्छा रहेगा कामकाज। कपास के रेट अच्छे हैं तो व्यापार अच्छा ही चलेगा। हम बात करते हैं अंजड़ फर्नीचर शोरूम के मालिक अल्फाज खान साहब से। सर, इस साल धनतेरस के ऊपर आपके शोरूम से क्या बिक्री हो रही है और क्या बेनिफिट मिलेगा आपके शोरूम से आने वाले ग्राहकों को, जरा आप बताइए। जी सकेश जी, इस बार ग्राहकी तो ठीक है, अच्छी ग्राहकी है, ग्राहकी में बढ़िया है। बाकी बेनिफिट की अगर बात करें तो अच्छे अच्छे ऑफ़र रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे, फर्नीचर पे, सभी पे अच्छे अच्छे ऑफ़र है। जो भी ग्राहक आएगा उसको बेनिफिट ही मिलेगा। आपके यहाँ से ख़रीदी करने के उपरांत अगर मान लो कोई चीज़ के अंदर कोई डिफ़िकल्ट या कोई परेशानी आती है, तो आप कस्टमर को क्या हेल्प करते हैं और क्या उसको सजेशन देते हैं इस बारे में? उसके अंदर एक मेन चीज़ ये है कि अपन डीलर के साथ मैन्युफैक्चरर भी है, बहुत सारी चीज़ अपन खुद बनाते भी हैं, तो उसको जो बनाने वाले जो लेबर है अपने पास, वो उसको ठीक करने में दिक्कत नहीं आएगी। और आपके यहाँ से जो ज़्यादा कीमती सामान, जैसे मान लो कोई सोफा सेट या कोई बेड पलंग वगैरह लेता है, तो उसके लिए फाइनेंस की क्या सुविधा है? फाइनेंस में अपने पास फिलहाल में HDFC फाइनेंस है। आप उसमें फाइनेंस हो जाएगा, उसमें आप ग्राहक का सहयोग करते हैं? बिल्कुल करेंगे, बैठे हैं इसलिए। हम बात करते हैं अंजड़ बजाज शोरूम के मालिक नरेंद्र पाटीदार जी से। सर, आज ये धनतेरस के उपलक्ष्य में क्या ऑटो डील में लग रहा है आपको? आज धनतेरस के प्रथम, दीपावली के प्रथम दिन ऑटो डील वाला जो व्यापार व्यवसाय है, वह आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है और लगभग मान के चलो कम से कम बजाज 40 से 45 गाड़ी आज बेचेगा। सर, जैसे अभी अगर पिछले दिनों में व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी और हड़ताल खुलने के बाद में मार्केट में क्या रौनक नज़र आ रही है? मार्केट में भी उछाल और रौनक आने चालू हो गई है और किसानों के पास और मजदूरों के पास पैसा भी आना चालू होगा, इसी कारण से आज उछाल भी आई और 40 से 45 गाड़ी बिकने की संभावना है। हम बात करते हैं हुंडा शोरूम के मालिक आकाश लुक्कड़ जी से। सर, आज धनतेरस का प्रथम दिन क्या बिक्री रही ऑटो डील के अंदर मोटरसाइकिल? हमारी धनतेरस का बहुत अच्छा सीजन हमको लग रहा है और जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उससे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है, क्योंकि अभी एक तो मंडी चालू हो गई है, शासन का बहुत अच्छा निर्णय रहा कि समय पे किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है, वाजिब मूल्य मिल रहा है और धनतेरस में काफ़ी अच्छी रौनक हमको देखने मिल रही है। जो निराशा थी वो एकदम से हमारे आशा में तब्दील हो गई है। सर, जैसे हम मान के चल रहे हैं धनतेरस 2 दिन की मान रहे हैं लोग, शनिवार और रविवार में, तो हमारा स्टॉक तो करीब करीब अब बहुत कुछ कम होते जा रहा है और 50 से 60 गाड़ियों की बिक्री हमारी 2 दिन में होना है। सर, जैसे पिछले दिनों मंडी के अंदर व्यापारियों ने हड़ताल की थी, उसके बाद में हड़ताल समापन होने के बाद में मार्केट के अंदर क्या रौनक रही? अचानक उत्साह का माहौल आया है हड़ताल ख़त्म होने से, न केवल किसानों का और व्यापारियों का भी, सभी पूरे मार्केट के अंदर जोश का तब्दीली हुई है, जोश में जोश हुआ है। यदि यह हड़ताल स्थगित नहीं होती तो मार्केट की क्या स्थिति बनती? वाकई मतलब इसके अंदर निराशाजनक माहौल रहता है इसके अंदर, और शासन का बहुत बहुत आभार है इसमें कि उन्होंने हड़ताल को स्थगित करवाया। हम बात करते हैं अंजड़ महिंद्रा शोरूम के मैनेजर विपिन भार्गव जी से। सर, आज दिवाली के प्रथम दिन
कितने ट्रैक्टरों की बुकिंग हुई है आपके महिंद्रा शोरूम से? सर 8 से 10 ट्रैक्टर की आज बुकिंग हुई है और 6 से 7 ट्रैक्टर आज डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर ये दिवाली के ऊपर? दिवाली के ऊपर सर ये स्ट्राइक जो खत्म हुई है व्यापारियों की, उससे लग रहा है कि थोड़ी रौनक आई है और सेल बढ़ेगा इस साल। मतलब आपके सेलिंग में कोई इजाफा नज़र आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, इस बार बढ़ेगा थोड़ा सा। ये थे विपिन भार्गव जी, जिन्होंने महिंद्रा शोरूम के मैनेजर साहब ने बताया है कि व्यापारियों की स्ट्राइक हड़ताल ख़त्म होने के बाद में मार्केट के अंदर कुछ रौनक आई है, जिसका असर इनके शोरूम के ऊपर जो ट्रैक्टरों की बिक्री होती है उन पे पड़ा है। आज तक 24 न्यूज़ चैनल के लिए अंजड़ से शकील मंसूरी की रिपोर्ट।